सैमसंग गैलेक्सी F54 सैमसंग के द्वारा लॉन्च किया गया रिसेंट एडिशन अंडर 30,000 एंड मेरे पास भी ये आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी हम इसका एक जूम टेस्ट कर ले। एंड कैमरा सेटअप की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है। प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का सेंसर OIS मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है एंड फ्रंट में मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए करते हैं इसका एक जूम टेस्ट फोटो में एंड वीडियो में एंड देखते हैं किस तरह का आउटपुट देखने को मिलता है। एंड जूम टेस्ट के अलावा यहाँ पे थोड़ा सा साइड बाई साइड कंपेरिजन करेंगे जूम के मामले में पोको F5 के साथ, बिकॉज वो फोन भी आपको सिमिलर प्राइस कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड यहां पे आप देख सकते हैं कितना एरिया कवर हो रहा है। एक फोटो लेते हैं एंड आप देख सकते हैं फोटो किस तरह का है। प्राइमरी पे स्विच कर लेते हैं, कलर शिफ्ट यहां पे नहीं होता है एंड कलर्स वगैरह यहां पे भी आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है। कुछ फोटोज लेते हैं एंड देखते हैं फोटोज की क्वालिटी किस तरह की है। एक फोटो इस तरफ भी ले लेते हैं, लेट्स सी। एंड काफ़ी अच्छा फोटो यहाँ पे लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 2x डिजिटल जूम कर लिया है, आगे जो भी होगा डिजिटल जूम होगा। एंड फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया है, एक बार जूम इन करके भी देख लेते हैं। अभी भी क्वालिटी में कोई भी लॉस नहीं है जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक फ़ोटो यहाँ पे भी ले लेते हैं एंड इसको भी हम थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं, तो जो पोस्ट प्रोसेसिंग है उसका आइडिया लगता है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं नॉइज़ वगैरह नहीं है इतना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, करते हैं डायरेक्ट 4x जूम एंड 4x जूम करने के बाद थोड़ा बहुत नॉइज़ यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप देख सकते हैं। कुछ फ़ोटोज़ लेके देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा नॉइज़ अभी भी नहीं दिख रहा है, काफ़ी हद तक यूज़ेबल फ़ोटोज़ आ रही है 4x डिजिटल जूम में। एक फ़ोटो यहाँ पे भी ले लेते हैं एंड इसको भी जूम करके देख लेते हैं। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है जैसे आप देख सकते हैं, फ़ोटो यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया है, नॉइज़ थोड़ा बहुत यहाँ पे विजिबल है ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक फ़ोटो यहाँ पे भी ले लेते हैं टेम्पल का एंड काफ़ी क्लियर दिखता है वैसे, जूम इन करके देख लेते हैं, लेट्स सी। जूम इन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो डिटेलिंग वगैरह है वो इतना बढ़िया नहीं है, बाकी 4x तक काफ़ी यूजेबल यहाँ पे मुझे लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम जूम कर लेते हैं जो कि है 10x। एक फ़ोटो लेते हैं एंड इसको भी देखते हैं जूम करके, लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है, नॉइज़ क्लियरली विजिबल है। एंड 10x में ही कुछ और फोटोज लेते हैं, एक बिल्डिंग का फोटो लेते हैं, लेट्स सी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉइज़ क्लियरली विजिबल है, इतना ज़्यादा क्लियर अभी आपको नहीं दिखेगा। कुछ एक और फोटोज ले लेते हैं, एक फ़ोटो यहाँ पे लेते हैं एंड नॉइज़ यहाँ पे क्लियरली विजिबल है जैसे आप देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, देखते हैं अगर और कुछ फ़ोटो लेने लायक हमें मिल जाए तो, लेट्स सी। यहाँ पे तो नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है ऑन स्क्रीन जैसे आप देख सकते हैं, बट कुछ देखते हैं फ़ोटो लेने लायक। ओके यहाँ पे हाँ, ये स्कूटर्स की फ़ोटो लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग होने के बाद फ़ोटो डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूव होता है। एक फ़ोटो यहाँ पे भी लेते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो सही लग रहा है, ये अल्ट्रा वाइड है एंड यहाँ से हमने जूम किया था, ये है 10x, यहाँ तक जूम होता है, ठीक है। चलिए अभी एक काम करते हैं, 108 मेगापिक्सल मोड में एक फ़ोटो ले लेते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे कितना बेटर डिटेलिंग मिलता है आपको, डिजिटल जूम सही रहेगा या 108 मेगापिक्सल सही रहेगा। प्रोसेसिंग हो जाने देते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिजिटल जूम था कुछ उसी तरह का आउटपुट है, बट काफ़ी क्लियर है। अगर आपको बेटर डिटेलिंग चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम पोको F5 के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं।
तो फोटो का जूम टेस्ट करने के बाद वीडियो में आ गए हैं। एंड यहाँ पे हम प्राइमरी कैमरा से ही जूम करके देखेंगे एंड 4K रेजोल्यूशन में जूम करेंगे तो जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया मिलेगी। चलिए देखते हैं, ये 1x मोड में हम शूट कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट हम 2x जूम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वालिटी में कोई भी लॉस नहीं दिख रहा है, अभी भी काफ़ी हद तक सब कुछ क्लियर ही है, तो इसको भी डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एंड 4x कर लेते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉइज़ दिख रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपको ज़रूरत रहेगी तो आप 4x जूम भी करेंगे तो भी आपको कुछ हद तक यूजेबल फुटेज डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मैक्सिमम जूम कर लेते हैं जो कि है 10x। एंड 10x में नॉइज़ डेफिनेटली मिलता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है बट नॉइज़ यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है। रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज़ करें बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इतनी दूर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये भी आपके ऊपर है, जूम आउट करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ 1x एंड दिस इज़ 10x। तो ठीक है भाई, हमारा हो गया है सैमसंग गैलेक्सी F54 का एक फ़ोटो एंड वीडियो जूम टेस्ट। दोनों में ही आप डिजिटली 10x तक जूम कर सकते हैं एंड जो जूम इन करने के बाद क्वालिटी है फोटोज़ एंड वीडियोस दोनों में ही वो आपको 4x तक बढ़िया देखने को मिल जाती है। उससे आगे अगर आप जाएंगे तो फिर नॉइज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो अगर आप जूम इन वगैरह करना चाहते हैं, सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हैं तो इससे बेटर आप ले सकते हैं S21 FE या फिर S20 FE भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उन दोनों में ही आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है तो इससे बेटर जूम मिलता है एंड ओवरऑल इससे बेटर एक्सपीरियंस है। बट याद रखिए, वो फ़ोन थोड़े से पुराने हैं तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप एक लेटेस्ट सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो बस अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।